हेलो गाइस, मुझे ये लगता है कि रॉयल एनफील्ड शोरूम वाले ने मेरे साथ बहुत गलत किया। जब आप पहली बार बाइक लेने जाते हो तो आपको कुछ चीज़ ज़रूर चेक करना, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम रॉयल एनफील्ड बाइक ले लिया तो वहाँ पे मुझे बहुत लेने के बाद मुझे बहुत सारा इशू मिला ये बाइक में। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या चीज़ देखना पड़ेगा लेने के पहले। फर्स्ट जो चीज़ है वो है इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट। इस बाइक का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 8 मंथ 2022। इसका मतलब मैं अप्रैल में बाइक लिया तो 8 मंथ ये बाइक सेल नहीं हुआ, मतलब 8 मंथ तक ये शोरूम में था। वो प्रॉब्लम नहीं है कि 8 मंथ तक ये शोरूम में था, प्रॉब्लम ये है कि जो न्यू अपडेट हो गया जो स्क्रम 411 का, वो अपडेट वाला बाइक मुझे नहीं मिला। क्योंकि वहाँ पे जब मैं गया था तो वहाँ पे अपडेट हुआ जो बाइक था उसमें USB पोर्ट था, इसमें USB पोर्ट नहीं था। इसका मतलब क्या, ये बाइक अपडेट हुआ, अपडेट होने के बाद ये आया। और मैं जो USB पोर्ट था वो वाला बाइक मैंने चूज़ किया था, लेकिन शोरूम वाले ने मुझे बोला उस बाइक में प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है समथिंग, तो इसके लिए ये जो बाइक आप नहीं ले सकते हो। और जो ये जो पुराना बाइक है, मतलब जो 2022 का, वो मुझे प्रोवाइड किया गया। और एक चीज़ है कि आप जब न्यू बाइक लेने जाओगे रॉयल एनफील्ड का, तो आप सीट के नीचे वहाँ पे एक बैच है, वहाँ पे आप देख पाओगे कि ये बाइक का मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सा है। तो आप ज़रूर चेक करना कि आपका जो बाइक है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, क्योंकि मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं जो अपडेट हुआ वाला पसंद किया था वो मुझे नहीं मिला और जो ओल्ड है वो मुझे दिया। सेकेंड जो प्रॉब्लम है ये है इंजन हीटिंग इशू। मतलब मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है कि इंजन इतना हीट होते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर तक जाते ये इंजन इतना हीट होते हैं कि वहाँ पे पैर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे बाइक में हो रहा है क्या, स्क्रैम 411 का जितना भी बाइक है सब बाइक में ऐसा प्रॉब्लम होता है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि जो मेरा वीडियो देख रहे हो जो जिसके पास स्क्रैम 411 है उनका भी सेम प्रॉब्लम है, तो वो मुझे थोड़ा बताए। थर्ड जो इशू है वो है ऑयल कूलर में। आप देख पा रहे हो कि ऑयल कूलर में दो जगह में बैंड है, क्योंकि यहाँ पे जो बाइक का ऑयल कूलर है यहाँ पे कुछ तो हुआ है, गलत कुछ हुआ है। क्योंकि मैं जब लिया था मुझे इतना देखने का चांस ही नहीं मिला, क्योंकि मेरा जो बाइक है ये एक्सचेंज कर दिया गया, मतलब चेंज कर दिया गया लास्ट मोमेंट में। तो लास्ट मोमेंट में मैंने चेक नहीं कर पाया कि ये जो बाइक है ये कैसा है। जो मैंने पहले कहा कि मैंने पहले कुछ स्क्रम 411 का ही अलग बाइक चूज़ किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में आके मुझे ये बाइक दिया गया चेंज करके। फोर्थ जो इशू है वो है कलर में। ये जो बाइक है, इस बाइक में कुछ कुछ प्लेस में कलर अभी उड़ गया है। रॉयल एनफील्ड का बाइक, इतना हैवी बाइक, इतना फेमस एक कंपनी है, लेकिन उसका कलर देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कलर उड़ गया है, ठीक है। और भी कुछ कुछ प्लेस में कलर उड़ गया है, मतलब जो न्यू बाइक है, न्यू बाइक में ऐसा कंडीशन है। आप सोच सकते हो कि न्यू बाइक में ऐसा कंडीशन है तो क्या होगा। फिफ्थ जो इशू है ये है जो ब्रेक ऑयल है। यहाँ पे आप जो ब्रेक ऑयल का जो देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक चीज़ है कि जो मिनिमम लेवल तक ब्रेक ऑयल होना चाहिए वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। मुझे पता नहीं अंदर ब्रेक ऑयल है या नहीं, ये कंपनी से आते हैं लेकिन मुझे पता नहीं कि है या नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं। तो वो शोरूम में जाने के चेक करूँगा, उसके बाद पता चलेगा कि इसमें ब्रेक ऑयल है या नहीं। तो जनरली तो नज़र में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ब्रेक ऑयल होता है वो तो समझ में आता है कि ये ब्रेक ऑयल है। सिक्स जो इशू मुझे मिला वो है इस बाइक में कुछ प्लेस में स्क्रैच भी है। मैं जब फर्स्ट टाइम ये बाइक देखा, मतलब जब मुझे डिलीवर किया गया, तब मैं देखा कि ऑलरेडी 4 to 5 किलोमीटर ये राइड किया हुआ है, जो ओडोमीटर में था, रेडिंग था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक स्पॉट है, शायद किसी चीज़ से ये टक्कर लग गया था, तो इसी कारण से यहाँ पे जो साइलेंसर है, साइलेंसर से ये जो कलर है ये उड़ गया। और भी कुछ प्लेस है, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ नीचे, देखो ये जो प्लेस है यहाँ पे, देखो कुछ चीज़ से ये तो लगा हुआ था, ये जो साइलेंसर है तो ये किसी चीज़ से टक्कर हुआ था और लगा भी था शायद, इसी कारण से यहाँ पे देखो पूरा स्क्रैच पड़ गया। तो मैं बाइक चलाया भी नहीं था, शोरूम से घर में ले आया बस वही तक, और एक दिन पेट्रोल पंप में मैंने पेट्रोल भरवाने गया, सिर्फ यही तक मैंने राइड किया। तो यहाँ पे देखो पूरा स्क्रैच लग गया है। तो मैं उस टाइम लास्ट मोमेंट में मुझे उतना चेक करने का टाइम ही नहीं मिला, और मुझे भी नहीं दिया कि आप जाके राइड करो, चेक कर लो बाइक। और कुछ प्लेस में आप देखो कि यहाँ पे देखो जो डिस्क पैड है यहाँ पे देखो पूरा रास्टिंग पड़ गया है,
मतलब क्या बताऊं यार, न्यू बाइक लेने के बाद ऐसा ऐसा चीज़ देखने को मिलता है, मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, ऑलमोस्ट वन वीक आप कह सकते हो, तो वन वीक के अंदर, मतलब वन वीक के तो अंदर नहीं, पहले से ही रास्टिंग था यहाँ पे, तो मैं उस टाइम फॉलो नहीं किया, और अभी मुझे नज़र में आ रहा है कि वन बाई वन जो इशू है ये बाइक में। ये और भी देखो, ये फ्रंट डिस्क पैड है, यहाँ पे भी रास्टिंग इशू है, यहाँ पे भी रास्टिंग पड़ गया। तो ये जो डिस्क पैड है, ये डिस्क पैड का ही है ना, जो अलग सा जो डिस्क पैड के ऊपर जो मशीन है वो उसका है, क्योंकि वो तो शोरूम में जाके पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम डिस्क पैड का ही है या कुछ अलग का है। तो यहाँ पे भी रास्टिंग पड़ गया है। इसके बाद मैंने जो रॉयल एनफील्ड का कस्टमर सपोर्ट टीम है वहाँ पे मैंने कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने के बाद जो रॉयल एनफील्ड शोरूम है जहाँ से मैं डिलीवरी लिया वहाँ से मुझे कॉल बैक किया। कॉल बैक करने के बाद उसने, मैंने जो मेरा प्रॉब्लम है, मेरा जो इशू है बाइक को लेके, ये डिटेल्स में उन लोगों को बोला मैंने, तो उन लोगों ने बोला कि आप बाइक को लेके आइए, मैं हम लोग कुछ इसका सॉल्यूशन निकलेंगे। तो मैं अभी जाऊँगा वहाँ पर जो रॉयल एनफील्ड शोरूम है वहाँ पर जाके देखूँगा कि उन लोग क्या सॉल्यूशन निकलते हैं। तो उसके बाद जो अपडेट आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और आप लोग जब रॉयल एनफील्ड बाइक फर्स्ट टाइम लेने जाते जाओगे तो ये सब चीज़ ज़रूर आप चेक करके लेना, क्योंकि आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। क्योंकि जो रॉयल एनफील्ड शोरूम वाले हैं उन लोगों को तो कमी है कि सेल कर देना जस्ट, तो हम लोग जब पैसा जमा के लेते हैं सब तो उम्मीद नहीं होते हैं कि बहुत सारा पैसे है कि ले लिया। तो कोई पर्सन जब लेता है उसका जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से लेते हैं। मैं भी सेम टाइप का हूँ, बहुत फाइनेंस भी किया, फाइनेंस करने के बाद ये बाइक फाइनली मैंने लिया, लेकिन लेने के बाद ये सब इशू बहुत ही हार्ट फेलिंग है, मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने मतलब दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड, मेरे मतलब क्या बताऊँ जो फील हो रही है अभी कि इस टाइप से मेरे साथ हुआ है। तो आप भी इस टाइप के प्रॉब्लम में आप ना फंसो, तो आप थोड़ा चेक करके लेना। तो अभी तो फिलहाल शोरूम में जाऊंगा, शोरूम में जाने के बाद पता चलेगा कि उन लोग इसका क्या सोल्यूशन निकलते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड कीप योर लव। और नेक्स्ट अपडेट मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा, तो आप क्या सोल्यूशन निकलते हैं वो पता चल जाएगा तब तो।